गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 7 का विज्ञान पढ़ेंगे। विज्ञान में अध्याय 2, अध्याय 2 का नाम है जल। ठीक, अब हमारे पृथ्वी पर जल कितने हैं? हमारे पृथ्वी का 3/4 भाग अर्थात 3/4 भाग में जल है, जिसमें से 97% क्या है, महासागरों में जल है। 2% क्या है, हिमखंडों अर्थात बर्फ के रूप में है। और 1% जो है वह जल है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, जो झील, तालाबों और नदियों में मिलता है, जो पीने योग्य होते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका होने के बावजूद हमारे पीने योग्य जो पानी है वह बहुत ही कम है, अर्थात 1% है। ठीक, दूसरा पॉइंट होता है महासागरों का जल जो है क्या होता है, पीने योग्य या हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करने योग्य क्यों नहीं होता? क्योंकि महासागरों के जल में नमक और बहुत सारे और जो पदार्थ हैं वह क्या होते हैं, अधिक मात्रा में घुले हुए होते हैं, इसलिए हम उसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग नहीं कर सकते। जैसे हम महासागरों के जल से कपड़ा धो नहीं सकते, सिंचाई नहीं कर सकते, हम उसमें नहा नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ही नमकीन होते हैं। ठीक, उसके बाद आता है मनुष्य के जीवन में जल का महत्व क्या है। जल का महत्व जो है हमारे सजीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, मनुष्य के भार का लगभग 70% जल होता है। ठीक है, और एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। ठीक है, पानी से क्या होता है, हमारे जो भोजन करते हैं उसका अग्नाशय से लेकर के क्या करता है, वह पाचन क्रिया से, और पाचन क्रिया से लेकर के जो है हमारे जो भोजन उसको अवशेषण तक के, इस प्रकार से हमारे शरीर में पानी की आवश्यकता का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक, अब जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो आप लोग देखे होंगे गर्मी के दिनों में हमें पसीना आता है, तो हमारे शरीर से अपशिष्ट के रूप में पसीने बाहर आते हैं, और पसीने निकलने के बाद आप लोग अनुभव किए होंगे आपका जो शरीर है वह क्या हो जाता है, थोड़ा सा ठंडा लगता है। अर्थात पसीना जब निकलता है तो हमारे तापमान क्या हो जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं। ठीक, और भी अन्य अवशिष्ट पदार्थ हैं जिसके लिए हमारे ठीक है दैनिक जीवन में और सजीवों के लिए पानी अति आवश्यक है, जिसे हम बाहर निकालते हैं पसीने के रूप में और मूत्र के रूप में। जलीय जीवों के लिए जल क्या है, जलीय जीवों के लिए जल जो है एक प्रकार से आवास का कार्य करता है, घर का कार्य करता है, और जलीय जीव जो है अपना जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और जलीय पौधे जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये जो आप आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। ठीक, नेक्स्ट वीडियो अगले दिन मिलेगा आपको। थैंक यू।